हरदोई जिले के शाहबाद के एसडीएम रामप्रकाश ने अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को गालियों से नवाजा और उसे जेल भेजने की खुलेआम धमकी दी। शाहबाद के एसडीएम रामप्रकाश की कार्यशैली के कारण पीड़ितों को ही गालियां मिलती नजर आ रही हैं। शाहबाद मंडी के क्रय केंद्र पर पीड़ित किसान को अभद्र भाषा में जेल भेजने की धमकी देने के मामले में क्षेत्र के किसानों में असंतोष व्याप्त है। एसडीएम द्वारा गेहूं किसका है पूछे जाने पर जब किसान नहीं सुन सका तो साहब नाराज हो गए और उसे गालियां देने लगे, साथ ही उसे गाड़ी में बैठाकर जेल भेजने का फरमान भी सुनाया। इसके बाद साहब का गुस्सा नहीं उतरा तो किसान को गाड़ी में बैठाकर ले जाकर अपमानित भी किया। किसानों के हमदर्द, सूबे की सत्ता पर काबिज और जनता के लिए काम करने का दम भरने वाले जनप्रतिनिधि, क्या कुछ ऐसे बिगड़ैल अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कोई नियम कानून है या फिर इनकी तानाशाही ऐसे ही चलेगी? क्षेत्र के तमाम किसानों में ऐसी तानाशाही के प्रति गहरा रोष है और ऐसे बिगड़ैल अधिकारियों के रवैये को देखकर उन्हें शासन और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार है। नहीं पड़ता, पूछ रहा हूँ किसका गेहूँ तो तुम पहले बैठे कुर्सी में जो है नवाबी झा रहे। अरे बदतमीज चाहिए, इंसान नहीं हो, आवाज नहीं सुनाई पड़ती। अभी बढ़ा वाली